हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस एक बार बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी को हार्म कैसे करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कैसे कर देता है। तो एंड तक देखना, सब समझ आ जाएगा आपको। तो कोरोना वायरस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक छोटा सा माइक्रो पार्टिकल है। हमारा बाल 5 माइक्रोन का होता है, ये 0.06 से 0.14 माइक्रोन का होता है, जो कि बहुत छोटा है, दिख ही नहीं सकता है आपको। तो अब ये क्या करता है, एक नॉर्मल जैसे फ्लू वायरस होता है वो क्या करता है, जैसे खांसी का वायरस, बुखार का वायरस, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जाते हैं, ये सेल के अंदर घुस के न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर होता है सेल का, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनाते हैं। पर कोरोना वायरस को ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट एक्सेस होता है होस्ट सेल के एक पार्ट के साथ, जिसको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के साथ इनका डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो राइबोसोम्स की मदद से ये अपना वायरल प्रोटीन बना लेते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे एक सेल है उसकी बाहर एक परत होती है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे जितनी चीज़ें चाहिए वायरस बनने के लिए वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, वायरल प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे से एक नया कोरोना वायरस बिल्डअप हो जाता है, और जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी उसके आसपास चिपक जाती हैं। तो ऐसे कोरोना वायरस बॉडी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और इसी तरीके से फ्लू वायरस से कोरोना वायरस डिफरेंट भी है। तो अब ये सवाल है कि वायरस अंदर आके मल्टीप्लाई भी हो गया, पर वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे कर रहा है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस कैसे लेते हैं। मैंने सांस ली, सांस यहाँ पे एक विंड पाइप होती है, ट्रेकिया, वहां से जाएगी, उसके बाद आते हैं ब्रोंकाई, फिर आती हैं ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आते हैं एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। जब हम सांस लेते हैं वो फूल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करती है वो फ्लेक्सिबल होगी, पर कोरोना वायरस अंदर आता है तो एक नाक में बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं सिलिया। जैसे हमने सांस ली, अब मैं अपनी सराउंडिंग से ही सांस लूंगा, उसमें डस्ट भी है, जर्म्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो मैंने सांस ली, सिलिया सांस को तो अंदर जान देते हैं, पर जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड चीजें हैं, इनको ऐसे बाहर कर देते हैं, इनकी मूवमेंट ऐसी होती है तो ये बाहर फेंक देते हैं। पर अगर कई पार्टिकल्स फिर भी सिलिया क्रॉस करके अंदर चले जाएं तो ट्रेकिया, ब्रोंकाय, ब्रोंकियोल्स, इन सब की जो इनर लाइनिंग है उसमें होता है म्यूकस, ये सब उससे चिपक जाते हैं और ये आगे नहीं जा पाते। पर जब कोरोना वायरस बॉडी को इफेक्ट करता है तो सिलिया अपना काम नहीं कर पाते, ट्रेकिया में जो म्यूकस है, ब्रोंकाय में जो म्यूकस है, कोई अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देता है कोरोना वायरस। तो उससे क्या होता है, जितने जर्म्स पार्टिकल्स हमारे अंदर जाएंगे वो सारे एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं और एक फ्लूइड फॉर्म में वहां पे ठहर जाते हैं। इससे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो जाती है एल्वियोली की, एल्वियोली सूज जाती है। एक बार एल्वियोली सूज गई, कोई भी चीज़ अगर सूज जाए तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से एल्वियोली की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे बहुत फर्क पड़ता है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स में अब क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रेथलेसनेस फील होगी, चेस्ट में पेन होगा, मसल में पेन होगा, फटीग होगा, आलस आएगा कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। पर कई बार तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि आदमी को खुद सांस लेने की मतलब प्रोविजन ही नहीं रहती, वो खुद सांस ले ही नहीं पाता, उसको एक मशीन का यूज़ करना पड़ता है सांस लेने के लिए, उसको हम कहते हैं वेंटिलेटर। और एक वेंटिलेटर नॉर्मली 10 लाख रुपए के आसपास आता है मार्केट में, पर ऐसे टाइम में जब पैंडेमिक इतना फैला हुआ है, महिंद्रा ने वेंटिलेटर सिर्फ 7500 रुपीज़ का लॉन्च कर दिया है, मतलब कमाल कर दी महिंद्रा ने, कमाल कर दी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हर एक आदमी में मिले ही मिले, क्योंकि क्या है, सिम्टम्स बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, आदमी की हेल्थ कैसी है, उसको पहले से कोई बीमारी है कि नहीं, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसकी उम्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जर्नली सिम्टम्स जो हैं वो छोटे बच्चों या बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा मिलते हैं एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल जो हेल्दी आदमी है उसमें कम मिलते हैं, क्योंकि क्या है, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो सिम्टम्स वो ज़्यादा शो करते हैं। तो अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको कोरोना वायरस है ही है, पर ऑफ कोर्स उनको अपने टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन पे भी बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो क्या है, एक वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे प्रिवेंट करती है वायरस, तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही लाइट या फेंट वर्जन कोरोना वायरस की इंजेक्ट करेंगे। वो इतनी लाइट होनी चाहिए कि हमारी बॉडी को कोई कोरोना वायरस कर ही ना दे, पर इतनी स्ट्रांग भी होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्ड करे उसको। तो इम्यून सिस्टम जब उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, जो स्पेसिफिकली सिर्फ कोरोना वायरस के लिए होंगी।
तो कोरोना वायरस के बाहर क्राउन्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो एंटीबॉडीज जाके क्राउन्स के अंदर ऐसे चिपक जाएंगी, तो वो रिसेप्टर से अटैचमेंट रोक देंगी। समझ गए आप? कोरोना वायरस है, बाहर क्राउन्स है, उन्होंने चिपकना था रिसेप्टर से, सेल के रिसेप्टर से, ताकि वो सेल के अंदर घुस सकें, पर एंटीबॉडीज क्या करेंगी, क्राउन से जुड़ जाएंगी और वो आगे रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएंगे, तो वो सेल में भी एंटर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से वो हमारे सेल की इंटरनल मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कॉज कर पाएंगे। तो इस तरीके से वैक्सीन हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगी कोरोना वायरस से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज सुबह पीएम ने हमारे रिक्वेस्ट करी है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे हर आदमी अपने घर के दरवाजे पे या बालकनी पे दिया, मोमबत्ती, फ्लैशलाइट, टॉर्च कुछ भी जलाए, पर जलाए। इससे होगा कुछ नहीं, पर एक हमको एहसास होगा कि 130 करोड़ लोग इसमें हम एक साथ हैं। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 कोई एक मोमबत्ती जलाने से आपका कुछ नहीं चला जाएगा, दिया जलाने से कुछ नहीं चला जाएगा। तो प्लीज 5 अप्रैल रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती या दिया घर के दरवाजे पे या बालकनी पे जरूर जलाएं। प्लीज, भारत माता की जय।